अभी देखिए स्क्रीन पे जो है एक्स और वाई का रेफरेंस रिटर्न बता रहा है। इसका मतलब यही है कि बैटरी हम लोग चेंज किए हैं, बैटरी लो था, बैटरी को हम लोग बदले हैं, नया बैटरी लगाए हैं। डोर को मैं खोल रहा हूँ, पीएलसी कंट्रोल डोर को मैंने यहाँ पे बैटरी चेंज किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बैटरी है, मैंने इस बैटरी को बदला है यहाँ से, ठीक है, ड्राइव से एक्स और वाई का ड्राइव जो है ये वाली जो ड्राइव देख पा रहे हैं एक्स वाई का है, और ये वाली ड्राइव जो है जेड का है। तो मैंने एक्स वाई ड्राइव का बैटरी चेंज किया है, यहाँ पे रखा है मैंने। चलिए मैं अब स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। दो चीज़ दिख रहा है, एक है आपका नीड रेफरेंस रिटर्न, इसका मतलब है कि मशीन ने एक्स और वाई का रेफरेंस को भूल गया है, ठीक है, और बैटरी भी यहाँ पर लो बता रहा है। हमें जब भी बैटरी चेंज करना होता है तो मशीन को ऑन कंडीशन में चेंज करना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, मशीन बहुत दिन से बंद पड़ी थी, बंद होने की वजह से जो है बैटरी लो हो गया था और ऑफ कंडीशन में था, हम लोग ऑफ कंडीशन में बैटरी को चेंज किया है और दोबारा नया बैटरी को हम लोग लगाया है। तो मैं इसको जो है ये सारी अलार्म को रिमूव करूँगा अभी स्क्रीन से। तो क्या इसका प्रोसेस है हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिस्टम में जाएंगे, एकदम देख पा रहे हैं मैं इसमें जा रहा हूँ। मैंने सिस्टम बटन को क्लिक किया, सिस्टम बटन को क्लिक करने के बाद 1815 पैरामीटर में जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1815, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1815 जो है दिख रहा है। अब मैं नंबर सर्च करूँगा, नंबर सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए 1815 जो है पैरामीटर ओपन हो गया है। एपीजेड में 00 शो कर रहा और जेड में जो है 11 शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो जेड एक्सिस है वो सही है, मैं जेड एक्सिस को रेफरेंस कर सकता हूँ, यानी मशीन रेफरेंस को नहीं भूला है, और एक्स और वाई एक्सिस का रेफरेंस को मशीन भूल गया है, यानी अगर हम लोग इसको रेफरेंस करने खोजेंगे तो रेफरेंस नहीं होगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको रेफरेंस करके, पॉज कर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस बटन को मैंने ऑन किया है एन। अगर हमको एक्स एक्सिस को रेफरेंस करना है तो एक्स को बटन को क्लिक करेंगे फिर प्लस दबा देंगे, ये रेफरेंस हो जाएगा। तो चलिए मैं एक्स को रेफरेंस करके देखता हूँ। देखिए आप मशीन के अंदर में, ठीक है, मैं अभी एक्स को रेफरेंस कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे रेफरेंस मोड सिलेक्ट है, एक्स एक्सिस सिलेक्ट है, मैं प्लस को दबाऊंगा। प्लस को जैसे मैं दबाऊंगा मशीन रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे अलार्म आ रही है एक्स तथा वाई का रेफरेंस नहीं हो पा रहा है ड्यू टू बैटरी लो। तो बैटरी लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए मैं एक्स और वाई को देखूंगा करके रेफरेंस, यहाँ पे होने वाला नहीं है लेकिन फिर भी आपको हम दिखा करके दिखाते हैं। देखिए एक्स प्लस और प्लस करेंगे, देखिए कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। प्लस में दबा रहा हूँ, प्लस में दबा रहा हूँ लेकिन देखिए रेफरेंस नहीं हो रहा एक्स एक्सिस। अभी मैं वाई को भी कर रहा हूँ, वाई प्लस किया, वाई को भी मैंने दबाया, अब मैं फिर प्लस करूँगा, वाई एक्सिस भी रेफरेंस नहीं ले रही है, ठीक है। अब मैं जेड को उसी तरह से प्लस कर रहा हूँ, अब प्लस करेंगे यहाँ पे, देखिए देखिए जेड एक्सिस रेफरेंस देख पा रहे हैं आप, जेड एक्सिस रेफरेंस ले लिया। इसका मतलब है जेड एक्सिस का रेफरेंस को मशीन रीड कर पा रहा है। सर वाई का जो ड्राइव्स वाला बैटरी है वो लो था, मैं अभी इसको पैरामीटर सेट करूँगा ताकि अपने आप रेफरेंस ले। तो सबसे पहले देखिए आप ये जो इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं, इस इंडिकेटर को मैच कराना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली एक्स की इंडिकेटर है, मैं एक्स का इंडिकेटर या रेफरेंस पॉइंट को मैं मैच कराऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वाई की है, ये वाली देख पा रहे हैं आप वाई की है, ये वाई वाली है, वाई वाली को भी जो है हमें मैच कराना है, ये वाई वाली को भी हमें मैच कराना है, उसके बाद हम सेट करेंगे। चलिए मैं अब सिस्टम में 1815 में जाके एपीजेड को सेट करता हूँ। 1815 में मैंने आ गया है। आप जो है एपीसी देखिए 11 है, तो हमें एपीसी को पहले जीरो करना होगा एक्स और वाई का। इसको मैं जीरो करूंगा, जीरो इनपुट। देखिए यहाँ पे रॉन्ग मोड बता रहा, रॉन्ग मोड, ठीक है, इस मोड से नहीं हो पाएगा, तो हमें जो है एमडीआई मोड से करना होगा। ये एमडीआई मोड आप देख पा रहे हैं, इस एमडीआई मोड में सिलेक्ट करके मुझे काम करना है। एमडीआई मोड सिलेक्ट किया, आप एक बार रिसेट दबाना होगा। चलिए रिसेट मैंने दबा दिया है, फिर सिस्टम में किया, देखिए 1815 सिलेक्ट है। अब हम इसको जीरो करेंगे एपीसी को। चलिए मैं अभी जीरो करता हूँ, जीरो देखिए यहाँ पे जीरो लिख दिया है। अब मैं इनपुट करूँगा, देखिए जीरो ले लिया, ठीक है। फिर मैं सिस्टम बटन को क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे जीरो ले लिया है। इसी तरह से मैं वाई को भी जीरो करूँगा, जीरो इनपुट, वाई भी जीरो ले लिया है। अब मैं इमरजेंसी स्टॉप करके मशीन को एक बार बंद करूँगा, मैंने इसको इमरजेंसी स्टॉप कर दिया है। मशीन को एक बार सीएनसी को ऑफ करूँगा, उसके बाद फिर जो है मैं कुछ देर बाद फिर मुझे ऑन करना होगा। चलिए मैंने ऑन कर दिया, मशीन ऑन हो रही है, यहाँ पे है। मैंने
इमरजेंसी को ऑफ करके रखा था, मैं इसको ऑन करूंगा, इमरजेंसी को रिलीज करूंगा बटन को, उसके बाद रिसेट बटन को क्लिक करूंगा। आप देखिए यहाँ पे कोई अलार्म नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब हमें सिस्टम में जाना है, सिस्टम में 1815 सर्च करना है। चलिए मैंने सर्च कर दिया। आप देखिए एक्स और वाई का दोनों वैल्यू एपीसी और एपीजेड दोनों वैल्यू जीरो दिख रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वैल्यू को 1 1 करना पड़ेगा। चलिए मैं कर्सर को लेके जाता हूँ, देखिए कर्सर जा रहा है एपीजेड में सबसे पहले, तो एपीजेड में मैं 1 करूँगा, 1 इनपुट ले लिया है। उसके बाद फिर सिस्टम को क्लिक करेंगे, फिर एपीसी में आएंगे, 1 इनपुट ले लिया। आप चलिए वाई एक्सिस में जाएंगे, एपीजेड को पहले करेंगे। देखिए मैं अगर एपीसी को करूँगा तो नहीं लेगा, पहले एपीजेड को करना पड़ता। चलिए मैं करके दिखाता हूँ पहले आपको, देखिए 1 इनपुट नहीं ले लिया है। अब जब मैं एपीसी वाई का एपीजेड करूँगा तो नहीं लेगा, ये नहीं ले रहा, देखिए नहीं ले रहा, 1 इनपुट नहीं ले रहा। तो हमें इसको 0 पहले करना है, उसके बाद इधर 1 करना होगा, एपीजेड को 1 किया, फिर एपीसी को 1 करेंगे तो ले लेगा। देखिए ले लिया डाटा। अब क्या करना होगा हमें, देखिए अलार्म क्या चीज़ का आ रहा है, मैं इसको मैसेज को देखूंगा। मैसेज में किया पावर मस्ट बी ऑफ, तो मुझे पावर को ऑफ करना है। तो चलिए मैं पावर को ऑफ किया, सीएनसी ऑफ कर दिया। चलिए मैं अभी सीएनसी को ऑन कर रहा हूँ, मैंने सीएनसी को ऑन कर दिया है। अब देखिए स्क्रीन पे जो है सीएनसी ऑन हो रहा है। चलिए अब जो है मशीन पे वाई एक्सिस का प्रॉब्लम बता रहा है। मैं एमपीजी मोड यानी हैंडल मोड, मैं हैंडल मोड में जाऊँगा, एमरजेंसी बटन को रिलीज किया, रिसेट मारा, एमपीजी मोड में गया। उसके बाद एक्स एक्सिस को मैं मिलाऊंगा। देखिए यहाँ पे इंडिकेटर देख पा रहे हैं, इस इंडिकेटर को इसके साथ में मिलाना होगा, ठीक है। हम जो है इंडिकेटर इसको देखिए मैच करा दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस को मैच करा दिया है। अब फिर हम जो है एपीसी और एपीजेड को जीरो करके 1 करेंगे सिस्टम में जाके। सिस्टम बटन में गया, सिस्टम में जाने के बाद हम सर्च करेंगे 1815। देखिए यहाँ पे 1815 आ गया है। अब देखिए वाई वाली जो है ना यहाँ पे 0 0 0 शो कर रहा, इसका मतलब हमको इस वाई एक्सिस को सेट करना है। तो चलिए मैं इसको सेट करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 करेंगे, 1 के जगह में 0 इनपुट, रॉन्ग मोड यानी हमें एमडीआई मोड में करना है। हमने एमपीजी में कर रहा था इसीलिए रॉन्ग मोड शो कर रहा है। एमडीआई में कुछ भी मैनुअल डाटा को इनपुट करना पड़ता है तो एमडीआई मोड सेलेक्ट करके हम लोग करते हैं। एमडीआई मोड में गए, यहाँ पे 0 किए इनपुट, आप देखिए 0 ले लिया। फिर सिस्टम बटन दबाएंगे, फिर 1 पे जाएंगे, यहाँ पे 1 करेंगे इनपुट, फिर इसको 1 करेंगे इनपुट। चलिए फिर हम देखते हैं इमरजेंसी को ऑफ करेंगे, सीएनसी ऑफ, अब फिर ऑन करेंगे। जो भी मैसेज यहाँ पे शो कर रहा था नीड टू रिफ्रेश रिटर्न या फिर बैटरी लो, वो अभी शो नहीं कर रहा फ्रेंड। इमरजेंसी जो स्विच है मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, मैंने रिलीज कर दिया है। अब मैं रिसेट बटन को क्लिक करूँगा, देखिए नो अलार्म, अभी कोई अलार्म नहीं है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हो गया है। अब मैं आसानी से एक्स और वाई एक्सिस को रेफरेंस कर सकता हूँ। अब हमें रेफरेंस करके देखना है एक्स और वाई एक्सिस को रेफरेंस हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है इसका मतलब मेरा मशीन जो वर्क हो गया फॉर वर्किंग कंडीशन। एक्स एक्सिस को रेफरेंस करूँगा तो एक्स प्लस दबाना पड़ता है, क्लियर है। चलिए अब हम रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है, प्लस कर रहे हैं एक्स करके, एक्स बटन को क्लिक कर दिया, प्लस कर रहे हैं, देखिए रेफरेंस हो रहा है, ठीक है रेफरेंस हो रहा है एक्स। अब मैं वाई को करूंगा, इसी तरह से वाई में जाएंगे, वाई बटन को मैंने क्लिक प्लस, वाई को मैंने पुश किया एक्टिव हो गया, अब प्लस दबाएंगे। चलिए प्लस दबा रहे हैं फ्रेंड, अब देखिए वाई एक्सिस भी जो है रेफरेंस हो गई। इसी तरह से हम लोग पैरामीटर 1815 के तहत रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। बैटरी में लो प्रॉब्लम है, नीड रेफरेंस रिटर्न का अलार्म आता है, तो आप लोग खुद ब खुद इस वीडियो का हेल्प से ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।